और कितनी बढ़िया सरल बात है। कैसा भी जीवन गुजारा हो आपने, पाप किए हो, अधर्म किया हो, केवल शरण में चले जाओ, सब समाप्त हो जाता है। सन्मुख होए जीव मोहे जबई, तो कोटि जन्म अगनासे तब। या ऐसे समझ लो कि चाहे जितनी पूजा पाठ करो, चाहे जितने यज्ञ होम करो, जब तक उनकी शरण में नहीं जाओगे तब तक अग्नाश नहीं होंगे। करोड़ों जन्मों के अग्न तभी नष्ट होंगे जब उनके शरण में जाओगे। या ऐसे समझ लो कि मैंने कुछ भी किया हो जीवन में, अगर उनकी शरण में चला गया तो फिर कोई खतरा नहीं, फिर कोई टेंशन नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम, जीवन मस्त हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत प्रत्यादिहे द्वे तापत्रेव विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। भगवान की कृपा तब मिलती जब शरणागति हो जाता है, विवेक तब मिलता है जब हम शरणागति हो जाते हैं। देखो दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो विवेक रूपी प्रकाश और दूसरे अच्छे विचार रूपी ब्रेक। ये दोनों चीजें होना चाहिए, एक तो लाइट और एक ब्रेक। अगर ये चीजों में गड़बड़ी है तो रात्रि में गाड़ी चली ना तो कहीं भी एक्सीडेंट का खतरा रहता है। एक बार एक चौराहे पे चार पुलिस वाले खड़े और उधर से एक मोटरसाइकिल आ रही, उसमें लाइट नहीं जल रही, केवल उसकी आवाज सुनाई पड़ रही। पुलिस वालों ने डंडा रोकने के लिए डंडा ले, ए, खड़े हो, खड़ी करो, तुम बिना लाइट के लेके चलते हो रात्रि में, खड़ी करो। वो कहता कि साहब लाइट तो नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें ब्रेक भी नहीं है, मुझे रोकने से पहले कहीं तुम्हारा जीवन ना रुक जाए, इसलिए साइड दे दो मुझे। मुझे दो चीजें चाहिए, विवेक रूपी लाइट भी बढ़िया हो और विचार रूपी ब्रेक भी बढ़िया हो, फिर गाड़ी कहीं भी जा सकती है। एक जगह देखा एक अंधा आदमी हाथ में एक लालटेन लेके जा रहा है रात्रि में, अंधा है लेकिन हाथ में लालटेन लेके चल रहा है। किसी ने पूछा, भाई साहब आप तो अंधे हो तो लालटेन लेके क्यों चलते हो रात्रि में? अरे का मैं तो अंधा हूं लेकिन लालटेन इसलिए लेके चलता हूं कि सामने वाला हमसे आके ना टकरा जाए, ये सामने वाला ना हमसे टकरा जाए। महाराज व्यास जी कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः, उनके शरण में जाओ, उन्हें प्रणाम करो, उन्हें मनाओ, जीवन धन्य हो जाएगा, तब मुझे सत्संग रूपी भागवत अमृत की उपलब्धि हो जाएगी। ये भागवत साधारण नहीं है, ये भागवत परमहंसों का विषय है, ये भागवत बड़े बड़े विद्वानों के परीक्षा का केंद्र है। साहब इसमें कोई भी अहम की बात नहीं, लेकिन एक सूत्र की व्याख्या में मनुष्य का एक जीवन भी व्यतीत हो जाए तो भी समय कम ही समझो। और ये रस ऐसा है, जैसे जैसे गोता लगाओ ना इसमें, जैसे जैसे अंदर जाओ ना, वैसे वैसे अपने आप को भूल जाते। महाराज सूत जी कहते हैं, ये कथा का कहां पे प्रचार प्रसार हो रहा है, तब व्यास जी ने बताया, नैमिषे सूतमाशीनम विभात महा कथा
अमृत रसा स्वाद कुशला सोन को अब्रवी नैमिषे सूत मासिन। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 महात्मा एकत्रित हुए। महामतिम, अच्छा आजकल की कथा में कौन इकट्ठा होता है अब आप खुद ही समझ लो, उधर ना चलो तो ज्यादा अच्छा है। यहां पर 88,000 महामतिम विभाग और साधारण नहीं महाराज, उसमें कथा मृत रसा स्वाद कुशल सौनक अब्रवीत। जिसमें बहुत विशेष कथा के श्रवण करने वाले कथा के रसिक कथा के कुशल श्रोता सौनक जी भी विद्यमान है। 88,000 महात्माओं का प्रतिनिधित्व कर रहे सौनक जी ने सूत जी को सुंदर आसन प्रदान किया। क्यों? सौन के नैम से सूत मासीन। सूत जी आसीन है दिव्य आसन पर और सौनक जी 88,000 महात्माओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुझे तो कभी कभी ये लगता है महाराज, ये जो कथा हुई ना 88,000 ऋषियों के बीच में, ये केवल भागवत का सर्वेक्षण किया गया। 88,000 ऋषि अपनी अपनी मोहर लेकर के बैठे हैं कि कहीं पर भागवत के किसी शब्द में कोई कमजोरी तो नहीं रह गई है, अपनी अपनी मोहर लगा के मजबूत करने के लिए। जैसे कोई एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है तो सबसे पहले उसका सर्वेक्षण किया जाता है, उसको शोषित किया जाता है कि इसमें शोधित करके देखा जाता कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ऐसे ही भागवत का शोधन किया गया। ये कहना लेकिन उचित नहीं है, क्योंकि भागवत तो पूर्ण कृष्ण का ही स्वरूप है और कृष्ण के स्वरूप में कोई कमी निकाले तो वो तो अपने ही जीवन में कमी पैदा कर रहा है। बारह वर्ष की उम्र है महाराज सूत जी की, व्यासपीठ पर बिठा ले गए, बिठाला 88,000 महात्माओं ने, जिसमें 60,000 वर्ष के संत बैठे हैं। वक्ता के अंदर एक गलतफहमी बहुत बड़ी पैदा होती है, जब वो इस आसन पर बैठता है फिर वो समझता है कि हम बड़े हैं और ये छोटे हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, ये उसकी संकीर्णता है जी। वक्ता बड़ा नहीं होता, बड़ा तो बिठाने वाला है। आप लोग बड़े हैं, आप महान हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी वाणी से कथा का स्मरण कर रहा हूं तो ये आपकी कृपा है, आपकी सहानुभूति है। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, हमारे संतों ने यही स्वीकार किया है। आज यही तो समाज में एक बड़ी विडंबना है, किसी को आपने ऊंचे आसन पर बिठाया, चाहे वो राज गद्दी हो चाहे वो धर्म गद्दी हो, वहां पर बैठने वाला फिर अपनी बपौती समझने लगता है और फिर अपने आप में ही वो इतने गलत कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है जिन कार्यों के कारण उसे वहां से नीचे गिरना पड़ता है। आपने किसी को चार बार प्रणाम कर लिया, अभी वो साधारण था, अब थोड़ा महान हो गया। अब 10 लोगों ने प्रणाम कर लिया तो वो अपने को महान से भी महान महात्मा समझने लगा, और फिर 100 लोगों ने 1,000 लोगों ने प्रणाम कर लिया तो महात्मा भी नहीं, वो अपने आप को परमात्मा ही तो समझने लगता है।
और फिर वो कहता है ये परमात्मा डुप्लीकेट कागज का है, पत्थर का है, मैं ओरिजिनल हूं, मेरी पूजा करो। यही तो, चाहे जिसको देख लो, किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन आप लोग सब समझते हो हमारे धर्म में कितने ढोंगी पाखंडी अपने आप को भगवान बने घूम रहे हैं। और एक बात याद रखना, जो अपनी पूजा करवाने की कोशिश करता है, भगवान को दूर करने की कोशिश करता, मैं साथ किसी भी धातु पर हमसे लिखवा लिया जाए, उससे बड़ा पाखंडी, उससे बड़ा दुर्गुणी इस समाज में कोई व्यक्ति नहीं है।